छात्र को कौन सी खास जानकारी दी? आखिर क्या है नमो ऐप का फीचर? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज प्लस में। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां अमूल प्लांट सहित 13,202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पहुंचे, जहां उन्होंने संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। छात्रों के साथ फोटो खिंचवाते वक्त PM मोदी ने कहा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा मेरे साथ फोटो खिंचवाने की होती है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी के साथ फोटो खिंचवाऊं। इसके लिए आप सभी को मेरी मदद करनी होगी। फोटो खिंचवाने के बाद PM मोदी ने BHU के स्टूडेंट्स को एक खास जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं ये फोटो तो अपने साथ ले जाऊंगा, पर आपका क्या होगा? इसका उपाय ये है कि आप नमो ऐप डाउनलोड कीजिए और उसे ओपन कीजिए। उसमें एक सेक्शन है फोटो का, उसमें अपनी सेल्फी क्लिक करके डाल दीजिए। अब जब आप बटन दबाएंगे तो आपकी मेरे साथ कहीं भी कितनी भी फोटोज हो वो सारी उसमें आ जाएगी, सब AI की मदद से होगा। PM मोदी ने छात्रों को ये भी कहा कि हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगी। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मस्ती मजाक भी किया। साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले PM मोदी देर रात तक लगभग 11 बजे वाराणसी के शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, जब रात को PM मोदी सड़क का निरीक्षण कर रहे थे तो उस सड़क किनारे बने घरों से महिलाओं और बच्चों ने उनका अभिवादन भी किया। तो दर्शकों, ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज प्लस में। धन्यवाद।